कौन कैसे हैं आप सब, इस वक्त से जहाँ रहे जी खुश रहे। आज का जो टॉपिक है वो है जी, हम आर्टिफिशियल नेल्स को लगाने का तरीका तो सब लोगों को पता होगा, लेकिन इसको 3-4 दिन तक किस तरह से हम अपने नेल्स पे फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि 3-4 दिनों तक ना हमारे नेल्स से ये उतरे ना, मतलब जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक आप लोग उतारेंगे नहीं। जब हम सैलून से एक्रेलिक नेल्स करवाते हैं, नेल्स बहुत बहुत ज़्यादा वो रफ हो जाते हैं, और सेकंड चीज़ ये कि वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन ये वाले बहुत ही सस्ते आप लोगों को मार्केट से मुख्तलिफ तरह के नेल्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ शेप के मिल जाएंगे, आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये है, मुझे आई थिंक 170 या 180 रुपीज़ का ये पैक पड़ा था, इसमें काफ़ी सारे नेल्स है। ठीक है जी, आप लोग इस तरह के नेल्स ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग नेल पेंट चेंज करना चाहते हैं तो नेल पेंट चेंज भी हो जाएगी, आप लोगों के नेल्स फिक्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कोई भी अच्छे से नेल्स, जो आप लोगों को शेप पसंद हो आप लोग नेल्स ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए है वो है जी, हमने अच्छे नहीं है, अच्छा ये वाली ग्लू, इसका जो है बाय वाला पैक उससे गुम हो गया था, लेकिन नाम मैं इसका मेंशन कर दूंगी, तो ये वाली ग्लू ले, इससे बहुत अच्छे फिक्स होंगे। थर्ड चीज़ जो हमें चाहिए वो है जी, नेल फाइलर चाहिए। अच्छा, नेल फाइलर जब आप लोगों ने लेना है तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो स्टील, जो लोहे टाइप का जो होता है ना, वो वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हाँ मैं तरीका करने वाली हूँ, अगर वो वाला लेंगे तो आप लोगों की स्किन डैमेज हो सकती है। तो ये वाला आप लोगों ने लेना है जो सॉफ्ट से मटेरियल का होता है, ठीक है, आसानी से आप लोगों को मार्केट से मिल जाएगा, और ये सॉफ्ट मटेरियल का होता है, और इससे बहुत अच्छे नेल जो है ना फाइल हो सकते हैं, या फिर इस तरह का। लेकिन आप लोगों ने वो स्टील लोहे वाला जो है ना, जो सख्त वाला होता है, वो वाला नहीं लेना। नेल पेंट लेना है कोई सा भी, आप लोग नेल पेंट कलर ले सकते हैं। अच्छा, अक्सर नेल्स के साथ इस तरह का नेल फाइलर भी मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करेगा जी। उसके साथ हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, ठीक। ओके जी, स्टेप नंबर 1 है, हम अपने नेल्स को अच्छे से जो है ना, ये स्किन जो है इसको हमने हल्का हल्का फाइल करना है, ताकि हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए, और जो हमने नेल्स फाइल लगाने हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाए। तो मैं इसको छोटे वाले को इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना, बस इतना इतना कि हमारी जो है ना स्किन थोड़ी सी रफ हो जाए, नेल्स की जो सॉफ्ट है वो जो है ना स्किन ना रहे, मतलब अगर सॉफ्ट होंगे तो नेल्स लगेंगे नहीं। तो इस तरह से हमने खोल लेते हैं, और जो मेरे नेल्स पे नेल्स लगने हैं मैं पहले वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद जी हम इसको सेट करेंगे। ओके जी, जो जो आप लोगों की फिंगर का साइज है वो आपने ले लेना है, इसमें दो दो है, आप लोगों को एक्सपेंसिव वाले लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा काम चल जाता है। नेल्स मैंने सेट कर ली हैं, सबसे पहले हम अपने जो है ना मिडल से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को सही से आइडिया हो जाए कि हमने नेल्स लगाने किसने। अब मैं जब बिन आर्टिफिशियल नेल लगाती हूँ तो मुझे पसंद है कि मेरे नेल्स, चाहे मेरे नेल्स बड़े भी हैं, तो मुझे पसंद है थोड़े से ज़्यादा लंबे नज़र आए, और लंबे नज़र आए। तो हमने इस तरह से सबसे पहले इसके ऊपर ग्लू लगा लेनी है, जो भी हमने ली हुई है, ये वाली बहुत अच्छी है, आप लोग ट्राई करें कि यही वाली लें, इतनी अच्छी है कि खुल ही नहीं रही। इसके ऊपर इस तरह से एक ड्रॉप डालना है, और इसको हमने ऐसे फैला लेना है, इसी से दूसरा ड्रॉप हमने नहीं ऐड करना, बस एक ही ड्रॉप डालना है, और बिल्कुल हल्का सा हमने ड्रॉप इधर ऐड करना है, ठीक है जी। अब जी हमने इसको पकड़ना है नेल को, और हमने जो हमारी स्किन नज़र आ रही है, हमने इससे जो है ना थोड़ा सा गैप देके हमने आधे नेल से, आधा तो नहीं लेकिन इतना हमने गैप देना है, ये देखें गैप देके हमने थोड़ा सा लगाना है, इससे नेल ज़्यादा अच्छे नज़र। अगर आप लोगों को इतने ही नेल्स पसंद है तो आप लोग स्किन के साथ लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा गैप दे के लगाऊँगी। अब इसको हम छोड़ेंगे, और हम बाकी नेल्स पे जो है ना नेल्स को अप्लाई करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद हम अपना स्टेप नंबर 2 करेंगे। नेल्स हमने लगा लिए, इसको थोड़ा सा टाइम हमने देना है ताकि ये फिक्स हो सके। उसके बाद हम अपना स्टेप नंबर 2 नेल फाइलर से करेंगे, कैसे हमने जो है ये बीच के गैप को दूर करना है, ताकि हमारा ये एक ही नेल का हिस्सा लगे। तो थोड़ा सा इसको फिक्स होने देते हैं, उसके बाद जी हम स्टेप नंबर 2 करेंगे।
ओके जी, ये ड्राई हो गए हैं बिल्कुल। अब हमने करना है नेल फाइलर लेना है। आप लोगों ने स्टील वाला नहीं लेना, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने इस तरह का नेल फाइलर लेना है। और आप लोगों ने ये जो गैप आ रहा है हमने इसको हल्का हल्का रगड़ना है, नेल को जो हमने आर्टिफिशियल लगाया हुआ है, ना के नीचे वाले को। जब हम इसको रगड़ेंगे तो ये थोड़ा सा इधर से जो है ना वो पतला हो जाएगा उसकी लेयर, और वो बिल्कुल हमारे जो है ओरिजिनल लेयर के साथ जो है ना एक जैसा मैच रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने देना है। तो हमने बस इतना ही इसी जगह से करना है, पूरे नेल को हमने फाइल नहीं करना, ठीक है जी। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ एंड वाले हिस्से से करना है, ताकि वो एक जगह से जो है ना वो अपनी जगह से हट के तो बारीक हो जाए और हमारे ओरिजिनल नेल के साथ फिक्स हो जाए, ठीक है जी। इस तरह से हम करते हैं। अब ये देखें अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ये फिक्स हो गए हैं, इसलिए अच्छे से फिक्स होने के बाद हम आसानी से कर सकते हैं, ये जो है ना नेल उतरेंगे नहीं। अब ये मैंने एक किया है, ये अब आप लोगों को बिल्कुल एक जैसा लग रहा होगा। अब इधर देखें आप लोगों को गैप नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें कोई गैप नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये एक जैसा हिस्सा लग रहा है, आर्टिफिशियल नेल और हमारा ओरिजिनल नेल के साथ, ठीक है जी। अब ये अच्छे से फिक्स हो गया, आपने इधर से भी करना है और इधर से, लेकिन पूरे नेल्स को नहीं करना, सिर्फ एंड वाले हिस्से को करना है। अब मैं बाकी नेल्स को करती हूँ, उसके बाद जी वापस आते हैं। ये सारे मैंने नेल्स का लिए, अब आप लोगों को दूर से भी जो है ना वो एक जैसे नज़र आ रहे होंगे। और ये जो नीचे गन मच के अब इसको साफ करेंगे, उसके बाद जी हम अपना स्टेप नंबर 3 करेंगे, हीट कर लेंगे एक दफ़ा, ताकि जो भी वाइट पार्ट उतरा है वो साफ हो जाए। और अब आप लोगों के सामने मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा रगड़ा है उसके साथ नेल फाइलर के साथ, लेकिन नेल जो है ना वो टस से मस नहीं हुए, ठीक है जी। अब हमने करना है जी स्टेप नंबर 3 है कि 4 है, हमने इसके ऊपर लगानी है। इसी फिंगर पे मैं आप लोगों को लगा के सबसे पहले बताती हूँ, हमने जब भी नेल पेंट लगानी है ये जो नीचे वाला हिस्सा है हमने पहले इधर डिपॉजिट करनी है, और फिर इधर छोड़ के थोड़ा सा थोड़ी देर वेट करके और फिर हमने आगे लानी है। इससे ये होगा कि जो थोड़ी बहुत जो रह गई है बीच में गैप वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह से हमने डिपॉजिट करना है और फिर हमने इसको इस तरह से लेकर आना है, फिर इधर डिपॉजिट करना है कलर को और फिर आगे लेकर आना है, ठीक है जी। इस तरह से हमने पूरे नेल के ऊपर हमने नेल पेंट लगा लेनी है। चलें जी मैं नेल पेंट लगाती हूँ, आप लोग देखें थोड़ा सा, इधर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ वीडियो ताकि आप लोग बोर ना हो। बिल्कुल इधर से भी हमने साइड से भी हमने डिपॉजिट करके फिर अप्लाई करनी है, ठीक है जी। ये आप लोगों के सामने है रिजल्ट। अभी मैंने बहुत लाइट कलर लगाया है, तब भी जो है ना लगाया तब भी देखें कवरेज कितनी अच्छी आई है नेल्स की। इधर से तो वैसे भी हमारे नेल्स तो आगे से उभरे हुए होते हैं, क्योंकि फ्लैट नेल्स नहीं होते। हमारी मेन चीज़ है कि हमने इधर से इसको कवर अप करना है कि हमारे नेल्स जो है ना वो फिक्स रहें और हमारी आर्टिफिशियल लुक ना आए। तो बाकी ओवरऑल आप लोगों के सामने रिजल्ट, अगर आप लोग डार्क कलर्स लगाएंगे तो फिर तो बिल्कुल भी आप लोगों को जो है ना और अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। अभी ये लाइट में भी आप लोग कवरेज दे सकते हैं कि कितनी अच्छी है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये आर्टिफिशियल नेल्स लगे हुए हैं। आप लोग इजीली काम कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठानी, मतलब ये उतरेंगे नहीं। अब इसके ऊपर हमने लास्ट स्टेप ये करना है कि ये ड्राई हो जाए, अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, तो हमने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेके इसका ऊपर कोट कर लेना है, तो एकदम से बिल्कुल नेचुरल लुक आएगी और आप लोगों के नेल्स जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ जो है ना नज़र आएंगे। अब जी आप लोगों के सामने रिजल्ट, अब मैं इस हाथ पे भी लगाती हूँ, फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके जी, आप लोगों ने देख लिया है किस तरह से मैंने ये जो है ना नाखूनों को बहुत तंग किया है, बहुत ज़्यादा खींचा है, लेकिन तब भी ये फिक्स हैं। अभी ये 3-4 दिन तक आसानी से फिक्स रहेंगे, जब तक मैं इनको उतारूंगी नहीं, ये नहीं उतरेंगे, लेकिन मैं अभी इनको उतारने वाली हूँ। अच्छा, इसको लगाने का तरीका तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन इसको उतारने का तरीका उस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के नेल्स डैमेज ना हो, आप लोगों के नेल्स आसानी से जो है ना वो ये आर्टिफिशियल नेल आसानी से उतर जाएँ। तो चलें जी अब देखते हैं इसको उतारना किस तरीके से है। इधर ले रही हूँ रिवाज यूके के रिवाइव्स, तो इससे पहले मैं अपने नेल से नेल पेंट रिमूव करूँगी।
ओके जी, नेल पेंट उतारने के बाद हमने जो है ना गर्म पानी में तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको डिप करना है। ठीक है जी, अच्छी तरह से डिप करेंगे तो हमारी जो ग्लू लगी होगी वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू होगी। अगर हम नेल पेंट लगा के ही हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये जो हमने बीच में फिक्सिंग की हुई थी और ऊपर से हमने ट्रांसपेरेंट लगाई हुई थी, उस वजह से हमारा नेल टूट सकता है, हमारे जो है नीचे वाले नेल डैमेज हो सकते हैं। नेल पेंट बाकी नेल से आप बेशक बाद में रिमूव कर लें। ठीक है जी, हम 5 मिनट इसमें डिप करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना नेल उतरना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, इसके बाद बस नेल्स रिमूव हो जाते हैं बहुत आसानी के साथ। ओके जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।